संभावना सेठ ने अभी हाल ही में कोविड के चलते अपने फादर को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने जिस हॉस्पिटल अथॉरिटीज पर केस किया था अपने फादर को लेकर एक लीगल नोटिस भी भेजा था उसके बारे में भी सभी को बताया था, और जस्टिस फॉर संभावना जो है सभी जगह वायरल भी हो रहा था। अब संभावना ने अपने फादर के साथ एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर शेयर करके लिखा है दैट शी इज ब्रोकन विदाउट अ फादर, शी इज लॉस्ट विदाउट अ फादर, और वो नहीं रह पा रही हैं उनके बिना। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगानी। संभावना सेठ इज टेरिबली मिसिंग अ फादर, और ये चीज जो है उनके जेस्टर्स में समझ आ जाता है। संभावना इज ऑल्सो यूट्यूब ब्लॉगर, और उनके ब्लॉग्स अगर आप लोग देखते हैं हो तो आपको पता होगा किस तरीके से वो अपने फादर का पिलो लेकर आ गई थी और रोज उसी पर सोती हैं। अपने फादर की एक याद की तरह उसको अपने पास संजो कर रख लिया है। वहीं अपने फादर की एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर भी उन्होंने अपने घर में लगा कर रोज उसकी पूजा करती हैं। लेकिन फिर भी दीज ऑल थिंग्स आर नॉट इनफ बिकॉज शी हैज लॉस्ट अ डियर वन, उनके सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ हर लाइफ उन्होंने खो दिए हैं। तो इस तरीके से इतने बड़े दुख से निकल पाना इजी तो नहीं होता है। संभावना ने शेयर की है एक प्यारी सी पिक्चर अपने फादर के साथ अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, जिसमें उन्होंने लिखा है दैट शी फील्स लॉस्ट विदाउट अ फादर, और ये चीज उनके फैंस भी बोलते हैं दैट संभावना लाइफ इज नॉट द सेम विदाउट अ फादर। संभावना वैसे यूजुअली बहुत चर्पी, बहुत हंसमुख रहा करती थी अपने ब्लॉग्स में, लेकिन आजकल जो उनके ब्लॉग्स आ रहे हैं उसमें संभावना काफी गुमसुम सी रहा करती हैं, काफी लॉस्ट सी रहा करती हैं, और ये चीज उनके फैंस ने भी नोटिस की है। वी जस्ट प्रे दैट संभावना कम्स आउट ऑफ दिस लॉस, कम्स आउट ऑफ दिस ग्रीफ रियली सून, क्योंकि संभावना को इस तरीके से दुखी उनके फैंस से नहीं देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी खबर के बारे में, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैसेज जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरीके से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।